हेलो गाइस, नमस्ते टेक्निकल पी के यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत खुशामदीद। तो गाइस, आज के इस वीडियो पर मैं आपको ये ब्लूटूथ एयरफोन बना के दिखाने वाला हूँ। काफ़ी अच्छा ब्लूटूथ एयरफोन है और आप अपने घर में जो है इजीली इसे बना सकते हैं। तो इसको बनाने का जो इन्फॉर्मेशन है मैंने इसी वीडियो में दिखाया, आपने इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। तो गाइस, फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो। अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर ऑल क्लिक कर देना, ताकि इस तरह की वीडियो हमेशा आप तक पहुँच दी रहे। तो गाइस, फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, ब्लूटूथ एयरफोन बनाने के लिए सबसे पहले हमें उसकी बॉडी बनानी होगी। तो यहाँ पर मैं पीवीसी शीट पे इस तरीके से डिज़ाइन बना लिया हूँ, आप अपने हिसाब से डिज़ाइन बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप इनका मेजरमेंट देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से 4 सेंटीमीटर और इस तरीके से 4.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मैंने कुछ अलग से टुकड़े कट कर लिए थे वीडियो के फर्स्ट में, और यहाँ पर इनके अंदर जो है मैंने ग्रुप कटिंग कर दिए, ताकि इस पर चार्जिंग पिन और ऑन ऑफ के लिए जगह जो है वो हमें चाहिए। तो यहाँ पर इनका साइज आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर हमें एक बॉक्स टाइप का जो है बनाना है, कुछ इस तरीके से मैंने एक डिज़ाइन दिया अलग से। तो यहाँ पे आप अच्छी तरह इनका साइज जो है चेक कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। सो गाइस, फटाफट अब इस बॉक्स को बना लेते हैं। तो गाइस, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो, और आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी आपका कमेंट हो, इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हो, तो उसका रिप्लाई मैं आपको ज़रूर दूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से जो है हमने एक बॉक्स जो है बना लेना है। और यहाँ पर मैं ले रहा हूँ एक ब्लूटूथ मॉड्यूल। गाइस, ये आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक की शॉप से आसानी से मिल जाएगी, और इसके साथ एक TB4056 चार्जिंग मॉड्यूल, और यहाँ पे एक लिथियम आयन बैटरी मैंने लिया है कुछ इस तरीके से, जिसका आउटपुट तकरीबन 3.7 वोल्ट है। और यहाँ पे एक ऑन ऑफ स्विच मैंने ले लिया है इस तरीके से, ये आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक की शॉप से सारा का सारा सामान मिल जाएगा। और यहाँ पर आप इनके कनेक्शन पर आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चार्जिंग मॉड्यूल पर B+ का जो यहाँ पर इस तरीके से निशान दिया गया है, और वहाँ पर मैंने B+ मैंने बैटरी का जो है सोल्डिंग कर दिया है, और B- पे B- का, और यहाँ पे इस तरीके से ऑन ऑफ स्विच का जो कनेक्शन कर लेना है, और दूसरी तरफ अलग से एक वायर लगा लेना है, और यहाँ पे इस तरीके से इनका आउटपुट निकलेगा। और यहाँ पे ब्लूटूथ मॉड्यूल के नीचे आपको अच्छे से यहाँ पे दिया गया है निशान, B+ का B+ पे आपने सोल्डिंग करना है, और B- का B- पे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके कनेक्शन जो है कुछ इस तरीके से हो चुके हैं अच्छे से। और यहाँ पर मैं ले रहा हूँ एयरफोन। गाइस, यहाँ पर आप ख़राब एयरफोन भी ले सकते हैं, लेकिन उसके स्पीकर का जो सेट है वो बिल्कुल भी सही होना चाहिए, वरना आपका जो है साउंड बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर आप देखते हैं इनके कनेक्शन कुछ इस तरीके से हैं, और यहाँ पे मैंने निकाल लिए हैं। यहाँ पे इस लीड को मैं किसी और प्रोजेक्ट में यूज़ करूँगा, और यहाँ पे मैं स्पीकर के सेट वाला जो हिस्सा है वो मैंने निकाल लिया है। और यहाँ पे आप देखते हैं इसके अंदर टोटल 3 वायर हैं कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे 2 वायर जो हैं वो L और R के हैं, और एक जो है वो ग्राउंड रहेगा। तो यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर हमने जो है इस वायर को लगाना है, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पर इस वायर के लिए इस तरीके से होल करना है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कुछ इस तरीके से, यहाँ पर मैं इसके अंदर जो है होल कर दे रहा हूँ सोल्डिंग आयरन की मदद से। आप अपने हिसाब से यहाँ पे होल जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे अच्छे से होल इस तरीके से आपने कर लेना है, और इस वायर को आपने इसके अंदर कुछ इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से निकाल लेना है। तो इस वायर को मैंने निकाल लिया है, अब फटाफट इनके कनेक्शन पे आते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके ऊपर जो है निशान दिया गया है L और R, और बीच वाला जो है वो ग्राउंड रहेगा। तो इसके कनेक्शन बिल्कुल भी आसान है, आप अपने घर में जो है इजीली इसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ इसी तरीके से आपने अच्छे से इनके कनेक्शन जो है यहाँ पे कर लेने हैं, और इन तमाम पार्ट्स को इस बॉक्स के अंदर कुछ इस तरीके से हमें लगाना है। तो यहाँ पे मैं ग्लू गन का यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहे तो यहाँ पे सुपर ग्लू की मदद से अच्छे से यहाँ पे इनको जो है चिपका सकते हैं। तो गाइस, कुछ इस तरह के भाई हैं जो वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक मारना जो है वो बिल्कुल भूल जाते हैं। तो गाइस यार, इस वीडियो को लाइक आपने ज़रूर करना है, और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि गाइस बहुत ही मेहनत लगती है यार आपके लिए वीडियो बनाने में। तो यहाँ पर इन पार्ट्स को जो है अच्छे से यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैं लगा दे रहा हूँ, और यहाँ पर ऑन ऑफ स्विच के लिए मैंने ग्रुप कटिंग अलग से किए थे वीडियो के फर्स्ट में। तो यहाँ पर आप देखते हैं इनको अच्छे से यहाँ पर मैंने एक सुपर ग्लू की मदद से, या फिर आप यहाँ पर ग्लू गन की मदद से अच्छे से चिपका सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अच्छी तरह इन पार्ट्स को जो है इसके अंदर चिपकाना है। गाइस, यहाँ पे आपने जो है सुपर ग्लू या फिर आपने यहाँ पे जो है ग्लू गन अच्छे से यहाँ पे डाल के इन पार्ट्स को और इन वायर को अच्छे से चिपकाना है, क्योंकि बाद में कोई भी मसला जो है आपको दरपेश आ सकता है। तो यहाँ पे अब इस ऊपर वाले हिस्से को कुछ इस तरीके से यहाँ पे इसके ऊपर जो है लगाना है, और यहाँ पे मैं अच्छे से लगा के सुपर ग्लू की मदद से अच्छे से मैं यहाँ पे चिपका दे रहा हूँ। तो यहाँ पे ऊपर वाला हिस्सा हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके ऊपर जो मैंने डिज़ाइन बनाया था कुछ इसी तरीके से, तो यहाँ पर मैं सुपर ग्लू की मदद से ऐसे अच्छे से यहाँ पर चिपका देना है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमारा एयरफोन बन के तैयार हो चुका है, अब ये चलने के लिए रेडी है। लेकिन हम इसे इस तरीके से नहीं छोड़ सकते, अब इसके ऊपर मैं पेंट करने वाला हूँ। यहाँ पर कुछ इस तरीके से अच्छे से यहाँ पे मैंने इसके ऊपर पेंट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं लाल कलर का यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहे तो कोई सा भी पेंट यहाँ पे कर सकते हैं। सो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं पेंट हमारा सूख चुका है, और ये ब्लूटूथ एयरफोन आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इनका जो है लुक है। गाइस, ये आपको कितने अच्छे लगे मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और यहाँ पर इस तरीके से आपने चार्जिंग लगाना है, और दूसरी तरफ
मीटर ऑन ऑफ के लिए मैंने स्विच लगा दिया है। तो फटाफट आप इनको टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं 5 वोल्ट मोबाइल चार्जर का यूज़ कर रहा हूँ इसको चार्जिंग करने के लिए। तो यहाँ पे फटाफट आप इनका कनेक्शन 220 वोल्ट पे इस तरीके से मैंने यहाँ पे कर लिया। आप देख सकते हैं आपके सामने बिल्कुल भी फेक नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मैंने माइक्रो यूएसबी जैक को कनेक्ट किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड लाइट जो है इसके अंदर ग्लो होना शुरू हो चुकी है, और यहाँ पे जैसे ये ब्लू होती है मतलब इसका चार्जिंग जो है वो फुल हो चुका है। सो गाइस यहाँ पे हमारा ब्लूटूथ चार्जिंग हो चुका है अच्छे से। अब इनको टेस्ट करने की बारी है। तो यहाँ पे मैं मोबाइल के ऊपर ब्लूटूथ पे पेयर कर दे रहा हूँ कुछ इस तरीके से। तो आपने अपने स्मार्टफोन का ब्लूटूथ ऑन कर लेना है और इस ब्लूटूथ के साथ पेयर कर देना है कुछ इसी तरीके से जिस तरह मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा पेयर हो चुका है, अब ये ब्लूटूथ कनेक्ट हो चुका है। तो अब मैं आपको NCS म्यूज़िक जो है वो इसके ऊपर चला के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं म्यूज़िक मैंने स्टार्ट किया लेकिन इसकी आवाज़ नहीं आ रही, क्योंकि गाइस ब्लूटूथ एयरफोन की आवाज़ जो है वो कम होती है। तो मैं आपको मैक से अच्छे से यहाँ पर इनको जो है टेस्ट करा दे रहा हूँ। तो गाइस यार ये ब्लूटूथ एयरफोन आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि उनके किसी काम आ सके। तो गाइस अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पे ऑल जरूर क्लिक कर देना ताकि इस तरह के वीडियो हमेशा आप तक फ्यूचर में भी पहुँचते रहें। तो गाइस यार आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं किसी और अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।